नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSTC 2018 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो आपका BSTC 2019 को जो 26 मई को जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न आपको पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 26 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है BSTC 2019 का। तो ये देखिए, पेपर हमारे पास आ चुका है, सामने है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें सभी विषयों के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ये मेंटल एबिलिटी। इसी तरह से चार पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहेगा, तो थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को आप लगातार देखें, ताकि पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, 1 से 50 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए, सामान्य ज्ञान, राजस्थान, जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के पेपर से स्टार्ट करते हैं, ताकि शुरू से अगर आप समझेंगे, पेपर को देखेंगे, तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो रीजनिंग के पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न 2019 में भी यही रहेगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देखिए, कुछ ये निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक आकृति में विभिन्न अंकों का समूह है, यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कुछ इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पर एक ही संख्याओं का पैटर्न दिया गया है, तो हमें लॉजिक फाइंड करना है कि ये संख्याएं किस तरह से चल रही है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में जोड़, बाकी, मल्टीप्लिकेशन और भाग वाली कैलकुलेशन रहेगी। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है, किस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कंफर्म है, और 2019 के पेपर में भी रहेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, इसके चार भाग हैं। पहला भाग ये रहा, दूसरा, इसी तरह से ये तीसरा भाग है, और ये चौथा भाग है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 5 में से अगर हम 4 को लेस करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है 1। इसी तरह से दूसरे भाग में अगर हम बात करें, 7 में से हम 3 को लेस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो आता है 4। इसी तरह से तीसरे भाग में 8 में से 2 को अगर हम लेस करें, तो डिफरेंस आता है हमारा 6। और इसी तरह से चौथे भाग में 11 में से 8 को अगर हम लेस करते हैं, तो डिफरेंस आता है 3। अब यहाँ पर एक रिलेशन आप इनमें देखेंगे कि 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। 4 का अगर क्यूब करते हैं तो आता है 64। क्यूब से यहाँ मतलब है 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद संख्या से, तो 64 आता है। इसी तरह से यहाँ चौथे भाग में आप देखिए, 3 को अगर आप 3 का क्यूब करते हैं आप, तो आता है 27। तो ये 3 में रिलेशन दिया गया है, तो यही रिलेशन हमें, जो संख्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यही संख्या हमें फाइंड करनी है। तो यही रिलेशन हमें इसी पर भी लगाना है। तो इसी तरह से हम 6 का क्यूब करेंगे, 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, तो हमारे पास आएगा, जो संख्या आएगी वो आएगी 216। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनमें आपको रिलेशन आपको ढूंढना होगा कि क्या रिलेशन इनमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। यहाँ पे ये त्रिभुज की आकृति हमें दी गई है, और ये संख्याएं कुछ दी गई है इसमें। अब यहाँ देखिए, बीच में संख्या दी गई है 12, 21, और ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। अब इनमें हमें रिलेशन देखना है कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, क्या जोड़ा गया है, घटाया गया है, किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। अब हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन सामने आता है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 6 और 4 को,
देखिए, 5 और 6 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास आता है 210। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, अगली आकृति में देखिए, इसी तरह से यहाँ भी हम करते हैं 6 को 7 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 210। अब देखिए, इनमें एक रिलेशन आपके सामने आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 120 आएगा यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर 12 संख्या दी गई है, तो 120 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं तो 12 हमारा आंसर आता है। वही यहाँ 210 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं जो संख्या आती है वो आती है हमारी 21। और यही कॉन्सेप्ट हमें इस पे भी लगाना है, तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 से करेंगे और 8 को करेंगे 10 से, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 32, और 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 320। और वही करना है, 320 में 10 का डिवाइड देना है तो आंसर आएगा 32। अब 32 आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से इनमें रिलेशन रहेगा कुछ ना कुछ, वो आपको फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, और ये 2018 का पेपर है आपके सामने। अब इसमें देखिए, ये कुछ आकृति दी गई है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है सबसे पहले 2 दिया गया है, फिर 5 है, 14, 41, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये संख्या हमें ढूंढनी है। अब यहाँ आप देखेंगे कि संख्याएं बढ़ रही है, 2 में क्या हम जोड़ें कि 5 आ जाए, तो यहाँ पर 3+ हम करेंगे, 3 ऐड करेंगे। इसी तरह से 5 में हम क्या जोड़ें कि 14 आ जाए, तो 5 में हम जोड़ेंगे, 9 जोड़ते हैं तो 14 आते हैं। तो ये रिलेशन, यहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर निकलेगा। 14 में हम क्या जोड़ें कि 41 आ जाए, तो यहाँ पर हम 41 में से 14 अगर माइनस कर देंगे तो देखिए कितना, क्या संख्या आ रही है हमारे सामने, ये आ रही है 27। तो यहाँ पर हम 27 अगर जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है 41। और इसी तरह से अगली संख्या हमें यहाँ आगे जोड़ें कि ये क्वेश्चन मार्क है वो हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है, ये देखिए, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 1, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 27 को हम लिख सकते हैं, 3 की घात 3, तो अगली जो संख्या आएगी वो आएगी 3 की घात 4। 3 की घात 4 क्या होती है, 81। अब 81 41 में अगर 81 हम जोड़ते हैं तो ये 41 रहा, और इसमें हम 81 ऐड करते हैं तो आएगा 122, और 122 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कुछ संख्याएं दी जाती है और कोई संख्या छोड़ दी जाती है, और उसे हमें ज्ञात करना है इन सभी का रिलेशन ढूंढते हुए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, 5 विभिन्न मकान ए से लेकर ई तक किसी पंक्ति में हैं, ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, कौन सा मकान मध्य में है। अब देखिए, सबसे पहले आप वही रिलेशन उठाइए जो 2 से संबंधित हो। अब देखिए यहाँ पर आप, हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई सी के बाएं तथा ए के दाएं हैं। अब यहाँ पर पहले हम इनको प्लॉट करते हैं कि ये रहा ई, हमने लिख दिया ये रहा ई, ई सी के बाएं हैं। अब देखिए, बायां लेफ्ट हैंड के लिए है तो ई सी के बाएं हैं, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, सी के बाएं हैं ई, ठीक है, और ए के दाएं हैं, तो ए अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो ए के दाएं में हो गया ई। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, अब यहाँ पढ़िए, ए बी के दाएं है, अब ए बी के दाएं हैं, ये रहा ए और यहाँ हम लिख देते हैं बी, तो ए बी के दाएं हो गया। अब यहाँ देखिए, बी डी के दाएं हैं, अब बी के लिए बोला गया है, बी डी के दाएं हैं, तो यहाँ पे मैं ले लिख देता हूँ ये डी।
अब ये पूरा रिलेशन स्टेट हो गया है, आप चेक कर लीजिए। अब देखिए, ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, बिल्कुल सही है। ई सी के बाएं हैं, ई सी के बाएं हैं, तथा ए के दाएं हैं और ए के दाएं हैं, बिल्कुल सही है। और बी डी के दाएं हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मकान मध्य में है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सबसे मध्य में कौन सा मकान है, ये रहा ए। तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा और आपको ढूंढना है, उत्तर आसानी से आपके सामने होगा, बस जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा वैसा आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन आंसर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, क्वेश्चन पर पढ़ क्वेश्चन को एक बार समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो बस थोड़ा सा आप समय निकालिए ताकि आपका एग्जाम जो होने वाला है उसमें एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी परीक्षा में मुकेश ने ज्यादा अंक प्राप्त किए राजेश ने मुकेश से, लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पर आएगा? तो देखिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम आसान बनाते हैं कि 5 विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं और पांचों में हमें दूसरे नंबर वाले स्थान पर किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए वो हमें ढूंढना है। अब देखिए, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जाए वैसा हम करते जाएंगे और उत्तर हमारे सामने होगा। अब देखिए, राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। अब देखिए, राज ने मुकेश से ज्यादा किए, तो सबसे पहले हम राज का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहा राज। अब राज ने किससे ज्यादा प्राप्त किए, मुकेश से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुकेश, क्योंकि राज के ज्यादा हैं तो मुकेश राज के नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए, राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने, यानी कि प्रिया के अंक राज से ज्यादा हैं, तो प्रिया को मैं राज के ऊपर लिख देता हूँ, ये रहा प्रिया का नाम, सबसे ऊपर आ गया। इसके ऊपर भी हो सकता है जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जितने प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है, प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए, गौरव के मुकेश से कम है तो मुकेश के नीचे आ जाएगा गौरव, ये रहा गौरव, ठीक है। आगे क्या कहता है, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है, यानी गौरव से भी कम अंक प्राप्त करने वाला दूसरा स्टूडेंट है। अब देखिए, राज का नाम आ चुका है, मुकेश का आ चुका है, प्रिया का आ चुका है, गौरव का भी आ चुका है, अब बचा क्या, कविता, यानी कविता के सबसे कम अंक है तो ये कविता का नाम गौरव के नीचे आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गया है, अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन दूसरे स्थान पे आएगा? अब देखिए, सबसे पहले स्थान पर तो है प्रिया, दूसरे स्थान पर है राज, तो राज हमारा आंसर होगा, ये रहा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा फॉलो करते जाइए, आंसर आपके सामने होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने चित्र की ओर देखते हुए हर्ष से कहा। अब ये मैं एक चित्र बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक चित्र है, अब ये कोई इसको देख के बोल रहा है, किसको बोल रहा है, हर्ष को। उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अब देखिए, हर्ष कह रहा है ये बात चित्र की ओर देखते हुए, इस चित्र में किसी का फोटो है और ये कह रहा है कि उसकी माता, यानी इसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। देखिए, ये रहा हर्ष, हर्ष के कोई भी भाई बहन नहीं है, सबसे पहली बात। अब वो चित्र की ओर देख के कहता है कि इसकी माता, ये चित्र जिसका भी है, इसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, यानी हर्ष के पिताजी के पुत्र की पत्नी है। अब देखिए, हर्ष के कोई भाई बहन नहीं है तो ये इसकी पत्नी होगी,
और ये इसकी पत्नी होगी तो ये इसका पुत्र होगा, क्योंकि भाई बहन नहीं है। अब आप दोबारा से समझे इसको। हर्ष ने कहा कि उसकी माता, यानी ये बच्चा है इसकी माता है, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, यानी हर्ष के पिताजी के पुत्र की पत्नी है। पुत्र कौन हुआ? हर्ष हुआ, और पत्नी हुई तो ये इसका संबंध क्या होगा? ये इसका पुत्र होगा। तो हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा था? तो उसके पुत्र के चित्र की ओर देख रहा था। तो इस तरीके से रिलेशन आपको फाइंड करना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु को 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचा जाए? अब देखिए, 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका क्रय मूल्य 100 है, और 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो हम कह सकते हैं ये बेच रहा है 88 में, ये 110 है, तो ये किसके बराबर होगा? 88 के, क्योंकि 12% की हानि होती है और 100 रुपये हमने क्रय मूल्य मारा है। तो क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे सामने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 22 आएगा, और ये आएगा 25 आएगा। और इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, आगे भी इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 से 11 से काट लीजिए, 110 को 11 से काटेंगे तो आएगा 10, और ये आएगा 2, और 2 को इसको काटेंगे तो 5, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125। 125 हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब वो बोल रहा है हमें 8% का लाभ लेना है, तो उसे कितने में बेचा जाए? तो 125 का 8% हम निकाल लेंगे जो कि आएगा 10, और 125 में 10 को हम ऐड कर देंगे तो मतलब कि 135 में बेचने पर हमें 8% का लाभ प्राप्त होगा, तो आंसर आएगा 135। इस तरह से ये मैथ्स का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग में भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए? अब देख लीजिए, माना कि मूल्य था 100 रुपये, अब 25% घट जाता है तो कितना रह गया? 75 रह गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल मूल्य प्राप्त हो जाए। अब देखिए, 75 में हम कितना बढ़ाएं कि जो पहले वाला मूल्य था वो प्राप्त हो जाए? पहले वाला मूल्य था 100, तो 75 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो पहले वाला मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, 25 हम जोड़ रहे हैं, किस पर जोड़ रहे हैं? 75 पर, और प्रतिशत की बात की जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 33, सही, 1/3%। ये इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो आपको ध्यान रखना है 25% आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 33, सही, 1/3%। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये वही प्रश्न है जो 2018 में BSTC के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। यदि EAT को 22/26/7 लिखा जाए, और तो LIP को कैसे लिखा जाए? अब देखिए, आपको ABCD का क्रम आपको याद होना, कि जैसे A एक नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, इसी तरह से सभी की संख्याएं आपको याद होनी जरूरी है। मैं एक बार यहाँ पर ABCD लिख देता हूँ ताकि आपको सही से ये क्लियर होगा। इसी तरह से BCUVWXYZ। अब देखिए, जेड हमारा आता है 26वें नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है ई को लिखा गया है 22वें नंबर पे, ए को लिखा गया है 26वें नंबर पे, और टी को लिखा गया है 7वें नंबर पे। अब आप देखेंगे, ई वैसे आता है 5वें नंबर पर, ये देखिए ई का क्रम क्या है, 5वें नंबर पर, लेकिन इसमें क्या किया गया है,
पीछे से स्टार्ट किया गया है। ई का शुरू में पांचवा नंबर है लेकिन पीछे की संख्या से स्टार्ट किया गया है, तो शुरू से लेके जेड से हम पांचवें नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और वी आता है 22वें नंबर पे। तो पांचवा नंबर पीछे से लेना है और वही संख्या हमें लिखनी है, तो इसी वजह से यहाँ पर ई को लिखा गया है 22। अब ए को देखिए, ए कौन से नंबर पे होगा, अपोजिट से आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अपोजिट डायरेक्शन से ए को हम काउंट करते हैं तो ये आता है 26वें नंबर पे, ये ए को वही लिखा है 26वां नंबर, और टी को लिखा है 7वें नंबर पे, और टी आता है 7वें नंबर पे। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन से नंबरों को लिखा गया है, और यही कंसेप्ट हमें LIP पे लगाना है। अब L देखिए, पीछे से हम काउंट करेंगे L को तो कौन से नंबर पे आएगा, Z है पहले नंबर पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, L आया 15वें नंबर पर, तो L का जो नंबर रहेगा 15 रहेगा। I का इसी तरह से हम काउंट करेंगे, L 15 पे है तो I को आगे बढ़ते हैं, 16 17 18, तो I आ रही है 18 नंबर पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ये डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इसी तरह से हमें आगे भी काउंट करते हुए चलते रहना है। तो यहाँ पर ABCD को आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी संख्या कौन से नंबर पे आ रही है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे से पीछे से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, मोहन की आयु शाम से 4 गुना है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, एम का मतलब है मोहन और एस का मतलब है शाम। मोहन की आयु शाम से 4 गुना है, शाम की हम एक्स मान लेते हैं तो मोहन की कितनी होगी, 4x, क्योंकि 4 गुना है। दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है। अब इन दोनों का भी डिफरेंस हम लेंगे तो क्या आता है, 4x में से x घटाएंगे तो आएगा 3x, और दोनों का अंतर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 9 दिया गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या गया है, तो मोहन कितने वर्ष का है, अब मोहन के बारे में पूछा गया है, एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3, एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 वर्ष, तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एज आयु से संबंधित क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक क्या कहा गया है, लैंग्वेज देख लीजिए, नीचे दिए गए चिन्ह के दाएं तरफ दोनों पद के मध्य तर्क को पहचानिए, वही तर्क प्रत्येक प्रश्न के में चिन्ह के दाएं तरफ वाले दोनों पदों पर लागू कर प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखिए ये 4 डॉट वाला सिंबल है, अनुपात समानुपात आपने पढ़ा होगा, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, जो संबंध वही होगा यहाँ पर इसी संख्या में हमें लगाना है। तो पहले पहले हम इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें ढूंढना होगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्वेश्चन में गलती है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था पिछले साल, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, तो हम 12वें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर वही ABCD वाला फॉर्मेट दिया गया है, अब B का D से क्या कनेक्शन है, Y का W से और W का U से, अब हमें इनके बीच में रिलेशन हमें ढूंढना है, तो सबसे पहले हम वही काम हमें करना है, ABCD हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब देखिए यहाँ पर हम ABCD लिख देते हैं, A B C D, इसी तरह से E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हमें इनमें रिलेशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, B और D का क्या रिलेशन है, B और D का, अब देखिए B आता है दूसरे नंबर पे, ये रहा दूसरा नंबर का, और D आता है चौथे नंबर पे, ठीक है।
यानी पहली संख्या में दो जोड़ा गया है। बी और डी का कनेक्शन क्या है? बी आता है दूसरे नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे, यानी दो जोड़ा गया है। इसी तरह से वाई और डब्ल्यू में क्या कनेक्शन है? ये रहा वाई और ये रहा डब्ल्यू, यानी पहली वाली संख्या में तो दो जोड़ा गया है, दूसरी वाली संख्या में दो घटा दिया गया है। वाई आता है 25 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ठीक है। इसी तरह से अगली संख्या देखिए, डब्ल्यू और यू, ये रहा डब्ल्यू और ये रही यू। अब W आता है यहाँ पर, U आता है पहले, तो इसमें भी दो घटाया गया है। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशन हमें समझ में आ गया है। अब उसी तरह से F में सबसे पहले हम दो जोड़ेंगे, F ये रहा, F में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? H, तो यानी एक तो संख्या आएगी हमारी H। अब यहाँ पे U, फिर उसके बाद क्या किया गया था, दो घटाए गए थे, तो U में भी हम दो घटाएंगे तो आएगा S, तो यहाँ पे एक और संख्या आएगी S। अगर थर्ड वाली संख्या में भी दो घटाए गए थे तो एस में भी हम दो घटा देंगे, एस से दो पहले आता है क्यू, तो ये हमारी उत्तर रहेगा एच एस क्यू। कौन से ऑप्शन में आता है? पहले ऑप्शन में। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और जो रिलेशन इनके बीच में है वही आगे लगाना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, यहाँ पे ये संख्या दी गई है मोर और इसी तरह से सी आर ए डब्ल्यू। अब इनमें क्या रिलेशन है? देखिए एम आता है, ये रहा एम, एम के बाद आता है एन, यानी कि ये जो संख्या है इसमें एक जोड़ा गया है। फिर उसके बाद ओ और एन का क्या कनेक्शन है? ओ आता है यहाँ पर और एन आता है पहले, यानी कि इसमें एक घटा दिया गया है। वही रिलेशन हम यहीं पे लगाएंगे। अब देखिए सी में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा, और दूसरी संख्या में एक घटाया गया था तो आर में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? क्यू आएगा, तो दूसरी संख्या होगी हमारी क्यू। अब देखिए डी क्यू वाले कौन से ऑप्शन है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, लेकिन उसके बाद भी हमें एक और संख्या देखनी होगी। अब यहाँ पे देखिए आर और एस का क्या रिलेशन है? ये रहा आर और ये रहा एस, यानी एक जोड़ा गया है। इसी तरह से हम ए में भी एक जोड़ेंगे तो बी यहाँ पे आएगा, बी। अब देखिए कौन से ऑप्शन में? डी क्यू बी, ये रहा। अब चौथा ऑप्शन हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तीन से ही हमें आंसर आ जाता है, तो आगे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से इसमें भी रिलेशन आपको देखना है। अब देखिए मंकी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अब मंकी और यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए आप देखेंगे इसको, देखिए आप मतलब रिलेशन क्या किया गया है, इससे ये संख्या कैसे आई है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे अंतिम है वाई, वाई से पहले क्या आता है? एक्स आता है, तो इस वाली संख्या में एक घटा के लिखा गया है, ये रहा। इसी तरह से ई, ई को लिखा गया है डी, ई से पहले आता है डी, तो इसी तरह से उल्टा चला गया है इसमें, वाई से पहले आता है एक्स, ई से पहले आता है डी, के पहले आता है जे, इसी तरह से आगे करना है। अब यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। अब R से हम स्टार्ट करेंगे, R से पहले क्या आता है? R से पहले आता है Q, फिर E से पहले क्या आता है? D। अब Q D किस में आ रहा है? ये रहा, तो ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से आपको इनमें रिलेशन ढूंढना है, किस तरह से इसमें रिलेशन, कहाँ कौन सा रिलेशन बैठता है वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले आप इनको देखिए, सी आई जी को क्या लिखा गया है? जी आई सी, मतलब तीनों संख्या को उल्टा करके लिखा गया है, यहाँ पे जी आई सी लिख दिया है। फिर उसके बाद अगली तीन संख्याएं आप देखिए, ए आर ई को उल्टा करके लिख दिया है, ई आर ए, ये रहा ई आर ए। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। डायरेक्शन में आर आई डी, पहले आएगा आर फिर आएगा डी, आर आई डी, इसी तरह से फिर टी सी ई, टी सी ई। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मिलता है, आर आई डी टी सी ई, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से इनमें रिलेशन होगा कुछ ना कुछ, वो आपको फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब देखिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? हवा को हरा कहा गया है, यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा? अब देखिए आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है साफ आकाश का रंग, और नीला को क्या कहा गया है? नीला को आकाश कहा गया है, तो आकाश हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर किसी निश्चित कोड में 786 को कहा गया है, ये लिख देता हूँ मैं, आप 786 को कहा गया है स्टडी वेरी वेड, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख देते हैं स्टडी वेरी वेड, ठीक है। अगला कहा गया है 958 को, मीन्स 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, नौ तो 958 को क्या कहा गया है हार्ड वर्क पेज, ये लिख देता हूँ मैं हार्ड वर्क पेज, ठीक है। उसके बाद कहा गया है 645 के बारे में, 645 को भी हम यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं। 645 का क्या मतलब है स्टडी एंड वर्क, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे स्टडी एंड वर्क, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे पूछा गया है विच इज द कोड फॉर वेरी, वेरी का कोड क्या है। अब देखिए इनमें कॉमन चीजें आप देखिए, अब देखिए इन दोनों में कॉमन की बात करते हैं, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 8 संख्या कॉमन है और इनमें एक शब्द भी आपको कॉमन मिलेगा। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द कॉमन है, सॉरी यहाँ पर 786 हैं तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। अब इन दोनों में आप देखिए 645 है और यहाँ पे 958 है, तो 5 यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है वर्क, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा और वर्क से वर्क कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें और क्या कॉमन है, इन दोनों की बात करते हैं इसकी और इसकी, यहाँ पर है 6 यहाँ पर भी है 6, 6। अब दोनों में क्या शब्द कॉमन है, इसमें भी स्टडी है इसमें भी स्टडी है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा हमें 7 का कोड निकालना है, तो 8 को हमें और काटना होगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है स्टडी वेरी हार्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कॉमन है 8, तो 8 से 8 यहाँ कटेगा, हार्ड से ये हार्ड भी कट जाएगा, तो क्या बचा वेरी बचा, और वेरी किसका कोड होगा 7 का कोड होगा, तो इस तरह से 7 का कोड होगा वेरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, संख्याओं को काट के जो शेष रहेगा वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 17 तक आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये पूरा एक अलग से टॉपिक है, तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। उसका उत्तर रहेगा 15 जनवरी 2004 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2003 को क्या होगा, तो इसका आंसर होगा शनिवार, क्योंकि देखिए इसका पूरा टॉपिक है, उसको समझाने के लिए काफ़ी समय चाहिए। एक बार हम सभी क्वेश्चन का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता लग सकें, इसका आंसर रहेगा शनिवार, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 19 से लेके 21 तक देखिए ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कहते हैं निम्नांकित प्रश्नों में 3 में से 4 एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा है जो समूह नहीं बनाता। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 आपको समान मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, और आप मान के चलिए एग्जाम में इसी तरह का आपका पैटर्न रहेगा, इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। अब देखिए है तोता कोयल गिद्ध और हंस। अब देखिए ये तीनों उड़ते हैं, हंस रहता है पानी में, तो तोता कोयल आसमान में उड़ते हैं पानी में नहीं रहते, तो यहाँ पर इन तीनों में जो डिफरेंस रहेगा, गिद्ध भी उड़ता है, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो रहेगा हंस, हंस पानी में रहता है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि 4ों में से ये अलग है, 3 समान है। अब इसी तरह से देखिए हरियाणा गुजरात केरल और महाराष्ट्र। अब देखिए ये तटीय राज्य हैं, इंडिया का मैप आप देखेंगे तो मैप के किनारों पर मिलते हैं, जबकि हरियाणा बीच में मिलता है, ये तो ये अलग होगा, तो ये उत्तर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आलू धनिया अदरक और प्याज। अब देखिए आलू जमीन में उगता है, अदरक भी जमीन में उगती है, प्याज भी जमीन में ही उगते हैं, धनिया जमीन में नहीं उगता, तो ये अलग है, तो धनिया यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो 3 समान रहेंगे, एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा, अब वो किसी भी तरह से मिले आपको उसको फाइंड करना है, केवल कॉमन सेंस का यूज करके आप आसानी से उत्तर पर आप पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 भी आप देखिए। निम्नांकित प्रश्नों में अंकों के विषम युग्म को चिन्हित कीजिए। अब देखिए इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसको हमें फाइंड करना है कि क्या रिलेशन है। देखिए 140 में से 45 को हम घटाते हैं तो क्या आता है, तो 140 में से अगर 45 को अगर हम लेस करते हैं तो आप कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं दी गई है तो इनकी कैलकुलेशन से लेकर बात की जाएगी। तो 140 में से अगर हम 45 को घटाएंगे तो आएगा 95, ठीक है। इसी तरह से 110 में से अगर हम 35 को घटाते हैं तो आता है 75। इसी तरह से 100 में से 30 को घटाते हैं तो आता है 70। इसी तरह से 80 में से 25 को अगर हम घटाते हैं तो आता है 55। अब देखिए इनमें आपने संख्याएं देखी होगी, ये 5 वाले पूर्णांक पे चल रही है और ये संख्या है 10 वाले पूर्णांक पे, तो ये डिफरेंट है, ये विषम है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए 133 में से हम 98 को लेस करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 35, ठीक है। इसी तरह से 115 में से 150 में से 115 घटाते हैं तो भी आता है 35। 182 में से 40 घटाते हैं तो क्या आता है, 182 माइनस 40 तो आता है 142। और 138 में से 153 को घटाते हैं तो भी आता है 35। अब देखिए तीनों में डिफरेंस 35 है, लेकिन इसी में 142 है, तो ये अलग है, तो यही विषम है हमारा, यही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 24 क्या कहता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए 12 में अगर 96 में अगर हम 12 का भाग देते हैं तो हमारा आता है 8, 8 बार भाग जाता है। 13 में 117 में 13 का भाग देते हैं तो 9 बार भाग जाता है। 15 में 120 में 15 का भाग देते हैं तो 8 बार जाता है। और 16 में 128 का भाग देंगे तो आप भाग दे के देख लीजिए, 128 में अगर 16 का हम भाग देते हैं तो भी हमारा भाग जाता है 8 बार। अब देख लीजिए विषम कौन सी संख्या है, तीनों में 8 है, इसी में भाग 9 बार जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि विषम है ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आसानी से उत्तर आपके सामने होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। अब देखिए 15 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 45, या आप ऐसे कह दीजिए 46 में 15 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 1। 37 में 12 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 1, क्योंकि 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 36 और 3 थी 36, तो 37 में से अगर 36 को हटाएंगे तो 1 शेष रहेगा। इसी तरह से 28 में 3 बार भाग देंगे तो आएगा 27, शेषफल रहेगा 1। और 33 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल रहेगा ज़्यादा, क्योंकि 24 बार जाता है और 33 में से 24 को हम बात लेस करेंगे तो 9 शेषफल रहता है, तो डिफरेंट कौन सा हुआ, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और बताएं जरूर कि सारी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं। अब देखिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का रिक्त स्थान से हैं। अब देखिए महाविद्यालय में स्टूडेंट क्या लेने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और अस्पताल में रोगी क्या करवाने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं। तो अस्पताल का रोगी से वही संबंध है जो महाविद्यालय का विद्यार्थी से है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब देखिए सिग्नल जो रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इसी तरह से बांध जो बनाया जाता है वो नदी के पानी को कंट्रोल करता है, जैसे बिसलपुर का बांध है तो वो पानी को रोके रखता है जिससे आसपास कहीं भी बाढ़ ना आए, नदियों के पानी को एक जगह कंट्रोल में करता है। तो यही सिग्नल का जो ट्रैफिक से संबंध है, वही बांध का नदी से संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये डिलीट किया गया था, इसमें कुछ मिस्टेक है तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया था बाद में। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। अब देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बी आता है 2 नंबर पर। अब देखिए बी से पहले क्या किया गया है, बी के स्थान पर क्या किया गया है, बी में से 1 घटाया गया है, बी में 1 जोड़ा गया है। अब
पहले नंबर पे क्या आता है, ए आता है, और एक जोड़ेंगे तो क्या आता है, सी। तो बी के स्थान पे लिखा है एसी। अब इसी तरह से यू की बात करते हैं, यू से पहले क्या आता है, टी आता है, और यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो वही लिखा गया है टीवी। टीवी, अब यही रिलेशन हमें यहाँ पे लगाना है बोनस में। बी से पहले और बाद में क्या आता है, ए आता है और सी आता है। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले क्या आएगा, ओ आता है एम एन ओ पी, यानी एन और पी, यानी ओ से पहले आएगा एम एन ओ पी, यानी एन और पी। अब देखिए एसी एन पी कौन से ऑप्शन में है, ये रहा तीसरे ऑप्शन में। तो देखिए पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, दो से आप अनुमान लगाइए कि इनमें क्या रिलेशन है, वही अप्लाई कर दीजिए। तो एसी एन पी किस में आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में, तो यही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए। यदि किसी भाषा में ए का कूट है एक, बी का कूट है दो, आगे इसी तरह से ये संख्या दी, ये एक मीनिंग दी, ये एक स्पेलिंग दी गई है, इसका हमें कूट निकालना है। अब देखिए ए का नंबर एक है, बी का नंबर दो है, सी का नंबर इसी तरह से तीन होगा, डी का चार होगा, तो क्या बनेगा, बी दो नंबर पे आता है, आई आता है नौ नंबर पे, डी आता है चार नंबर पे, डी आता है चार नंबर पे, आई आता है नौ नंबर पे, सी आता है तीन नंबर पे। अब देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन है, दो नौ चार, चार नौ तीन, ये ऑप्शन उत्तर होगा। इस तरह से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। यदि ए बी के दक्षिण में है, अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देखिए अब देखिए दिशाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये चार दिशाएं होती है, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, ये रहा पूर्व। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी के दक्षिण में है, ये रहा ए और ये रहा बी, इसका बी का दक्षिण ये होगा इस तरफ, तो ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है। अब देखिए सी बी के पूर्व में है, अब पूर्व किधर होगा, इधर होगा, तो ये सी पूर्व में आ गया। ए का ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, अब सी से हमें ए की दिशा देखनी है, इधर आता है पश्चिम, इधर आता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा होगी, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, आंसर में इसके मिस्टेक है, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक सीरीज दी गई है, इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 35। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से आपको लॉजिक लगाना है और फाइंड करना है इसमें क्या लॉजिक है, इतने हमने डिस्कस किए, आप इसमें फाइंड करिए इसमें क्या लॉजिक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखिए 34 क्या कहता है, अब देखिए ये सीरीज दी गई है, संख्याएं दी गई है, हमें रिलेशन ढूंढना है। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन देखो आप, सबसे पहले 703 में से अगर हम 655 को घटा देते हैं तो क्या आता है, डिफरेंस आता है 48, 48 का फर्क आता है, 655 में से 607 घटा दें तो भी 48 आता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 48 आएगा, इसमें भी 48, इसमें भी 48, अब 663 में से क्या 48 घटाएं तो कौन सी संख्या आएगी, तो 663 में से हम 48 को घटा देते हैं, 13 में से 8 गए तो 5, 5 में से 4 गए तो 1, और यहाँ आ गया 3, 315, सॉरी यहाँ पर 4 ही आएगा, 415, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपको सोल्व करते हुए जाना है, आसान सी बातें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप देखिए कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए, अब वर्तमान की बात करते हैं, मान लीजिए पुत्र की आयु पूछी गई है, अब ऑप्शन देखिए 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, तो 15 वर्ष को हम एक बार मान लेते हैं, मान लीजिए पुत्र की आयु वर्तमान में 15 वर्ष है, तो
पिता की कितनी होगी? 3 गुना होगी तो होगी 45। ये वर्तमान की बात की गई है, वर्तमान। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व क्वेश्चन में कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 साल पूर्व इनकी आयु क्या होगी? पुत्र की आयु तो होगी 5, इसमें से हम घटा देते हैं 10 साल, और पिता की कितनी होगी? 45 अभी है तो 5 वर्ष पूर्व 40 होगी। अब देखिए रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं। पिता की वर्तमान में पुत्र की आयु से 3 गुना है और 5 वर्ष पूर्व 4 गुना है, 10 साल है तो यहाँ 40 है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर आप 20 वर्ष को उदाहरण लेंगे तो मान लीजिए 20 साल वर्तमान में है तो 3 गुना कितनी होगी? 60 साल होगी। 5 वर्ष पूर्व हम घटाएं तो यहाँ पे तो आएगा 15, यहाँ पे आएगा 55। अब देखिए 15 की 4 गुना कितनी होती है? 60 होती है, और जबकि यहाँ पे तो 55 है, यहाँ 60 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत होगा हमारा। तो 15 वाले ऑप्शन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो 15 वर्ष सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से करें, आसानी से आपका उत्तर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ये आकृति दी गई है, ये डायग्राम दिया गया है, इसको आपको देखना है। ऊपर दी गई आकृति में 3 अंतर विभाजित वृत्त हैं जो विद्यार्थियों के समूह को इंगित करते हैं, जो बताते हैं टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल खेलते हैं। आकृति में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र को एक छोटा अक्षर बताता है। अब देखिए ये 3 वृत्त हमें दिए गए हैं, यहाँ पे बताया गया कि टेनिस वाला, अब देखिए टेनिस कौन से भाग में आता है, बैडमिंटन कौन से भाग में आता है, और कुछ इनमें कॉमन पार्ट दिए गए हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, क्या कहा गया है? कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं? अब देखिए पी में तो क्या आता है, टेनिस वाला पार्ट आता है, क्यू में आता है बैडमिंटन, और आर में आता है वॉलीबॉल। अब हमें वो भाग देखना है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि क्वेश्चन वही कह रहा है कि कौन सा समूह तीनों खेलों को तीनों खेल खेलते हैं, कौन सा समूह दर्शाता है ये बात। अब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, सी वाला, ये क्यू का भी पार्ट है, आर का भी पार्ट है, और पी का भी पार्ट है। आप देखेंगे ये कॉमन वाला पार्ट है, तीनों में आता है, तो सी वाला जो भाग है ये हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं पर बैडमिंटन नहीं? अब कौन सा भाग है जो टेनिस और वॉलीबॉल को दर्शाता है? अब देखिए ये रहा टेनिस और ये रहा वॉलीबॉल, लेकिन बैडमिंटन का भाग इसमें नहीं आना चाहिए। अब देखिए बी का पार्ट आप देखिए, बी वाला भाग आप देखिए, ये वाला। अब बी में देखिए टेनिस भी आ रहा है, वॉलीबॉल भी आ रहा है, लेकिन बैडमिंटन का पार्ट यहीं तक है, ये वाला बैडमिंटन का पार्ट है, ये वाला इसमें सम्मिलित नहीं है, तो बी वाला पार्ट सही उत्तर होगा। अब देखिए बी वाला पार्ट कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ये रहा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं पर ना तो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल, यानी केवल टेनिस वाला पार्ट देखिए कौन सा है। अब टेनिस वाला पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो टेनिस वाला जो पार्ट है वो है केवल ए वाला पार्ट, ये देखिए। अब इसमें ना तो वो बैडमिंटन का पार्ट आता है और ना ही वॉलीबॉल का पार्ट आता है, क्योंकि वॉलीबॉल का पार्ट आता है यहाँ और बैडमिंटन का पार्ट आता है यहाँ पे, तो सिंगल ए वाला पार्ट केवल टेनिस का है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको किस तरह से है। तो इस तरह से ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, इनको आप सोल्व कर लीजिए। 3 हम मैंने सोल्व करवा दिए, अगला एक प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए क्या कहता है। एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे, और ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे थे। अब देखिए शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन से शिक्षक, सभी शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षकों में से कौन सा शिक्षक
सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में, 41 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब 41 में आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बी शिक्षक की बात करते हैं। बी शिक्षक देखिए हिंदी भी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी भी पढ़ा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भूगोल भी पढ़ा रहा है, और यहाँ पे इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो विषय पढ़ा रहा है वो बी शिक्षक पढ़ा रहा है। बाकी में आप देख लीजिए, एक केवल हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहा है और गणित और हिंदी पढ़ा रहा है, जबकि बी वाला 5 विषय पढ़ा रहा है, 6 विषय पढ़ा रहा है। तो सही उत्तर होगा बी। निम्न में से कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं? अब देखिए 42 में क्या कहता है कि कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप देखिए, इनमें से कोई नहीं। अब भूगोल और हिंदी दोनों कोई भी टीचर साथ में नहीं पढ़ा रहा। अब देखिए भूगोल पढ़ा रहा है या तो बी पढ़ा रहा है, लेकिन बी हिंदी नहीं पढ़ा रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक बार आप पैसेज को देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला डी ऑप्शन। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे के जो क्वेश्चन हैं, दो से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, कौन से भूगोल दोनों पढ़ा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 और 45 क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए, दिए गए विकल्पों से सर्वाधिक उपयुक्त क्रम कौन सा है, मतलब इनको जमाना है क्रम से, भी पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, परिशिष्ट, अनुक्रम, इनका शीर्षक, अध्याय और परिचय। अब 44 में आप देखिए, अब इनमें हम बात करते हैं, सीधे उत्तर पे चलते हैं, जो इसका उत्तर है ये वाला उत्तर है। अब देखिए सबसे पहले आएगा थर्ड वाला, सबसे पहले आता है शीर्षक, फिर उसके बाद आता है अनुक्रमणिका, फिर उसके बाद आता है परिचय, फिर उसके बाद आता है अध्याय, और फिर उसके बाद आता है परिशिष्ट। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं इनका क्रम यही रहता है, पहले शीर्षक आता है, फिर आता है अनुक्रमणिका, फिर आता है परिचय, फिर इसी तरह से अध्याय, फिर आता है परिशिष्ट। अब देखिए, अब यहाँ देखिए सजा, कैद, गिरफ्तार, अपराध और निर्णय। अब देखिए किसी भी हम चोर को पकड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले चोर को पकड़ते हैं तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि सबसे पहले उसको क्या किया जाए, वो अपराध करता है सबसे पहले, पहले अपराध करता है सबसे पहले, फिर उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, फिर आप आगे देखिए फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उस पर निर्णय किया जाता है, फिर उसको क्या की जाती है, सजा दी जाती है, और फिर उसको कैद किया जाता है। ये क्रम रहता है, तो हमें यही क्रम ढूंढना है कि सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या होता है। अब ऐसे तो नहीं होता कि चोर को पकड़ते ही उसको जेल में डाल देते हैं, पहले वो अपराध करता है, फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है, फिर उस पर निर्णय होता है, फिर सजा होती है, फिर उसको जेल में कैद किया जाता है। इस तरह से एक दिन में कितनी बार घड़ी के दो हाथ 90 डिग्री पे होते हैं? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 44। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। अब यहाँ आप देखिए 47 क्या कहता है, ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं इस तरह से, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं कथन, और हमें निष्कर्ष हमें फाइंड करना है। देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन 50 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, 2 आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। कोई भी आदमी गधा नहीं है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कोई भी आदमी गधा नहीं है, अब देखिए इसका डायग्राम बनेगा, ये आदमी है, कोई भी आदमी गधा नहीं है, तो ये दूर दूर है, ठीक है, राहुल आदमी है, तो राहुल आदमी है, तो राहुल आदमी हुआ, ये राहुल को इसके ऊपर बना देते हैं, राहुल आदमी है। अब निष्कर्ष क्या कहते हैं, राहुल गधा नहीं है। अब राहुल और गधा अलग अलग है, तो ये बिल्कुल सही है, सभी आदमी राहुल नहीं है, और ये भी बिल्कुल सही है, सभी आदमी राहुल नहीं है, राहुल आदमी है, तो दूसरा गलत होगा। तो पहला क्या होगा, पहले में पहला जो सही उत्तर होगा उस पर हम बात करते हैं कि पहले में जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, यदि केवल निष्कर्ष 1 सही हो, निष्कर्ष 2 सही हो, एक या दोनों ही गलत हो, तो 50 में पहला ऑप्शन सही है, केवल 1 निष्कर्ष सही होगा, ठीक
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए 48। सभी घास वृक्ष हैं, ये घास हुई, सभी घास वृक्ष हैं, ठीक है। फिर कहता है कोई घास झाड़ी नहीं है, और ये कोई भी घास ये झाड़ी नहीं है, कोई भी घास झाड़ी नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहते हैं, कोई घास झाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई घास झाड़ी नहीं है। दूसरा क्या कहता है, कुछ झाड़ियाँ ग्रास है, ये रही झाड़ियाँ ग्रास, दोनों अलग है तो कुछ झाड़ियाँ ग्रास नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से 48 में भी पहला निष्कर्ष सही होगा, तो पहला ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से कथन और निष्कर्ष से संबंधित भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। दो मैंने करवा दिए, दो आप खुद करिएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग के 50 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस का। अब देखिए, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले से है, पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है, ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, 2000 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए, पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट बी का जो जीके का पार्ट है, सभी पार्ट आपको करवाए जाएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो जीके का पार्ट हमने फिलहाल कंप्लीट करा दिया है, और राजस्थान जीके का, सॉरी, रीजनिंग का पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिया है। जीके के पार्ट का वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2018 का पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ सोल्व करवाया जाएगा। फिलहाल हमने जीके का कंप्लीट कर लिया है, और सॉरी, रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है, जीके का पार्ट का वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, और जान वीडियो अब तक सारी बातें आपको समझ में आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्द ही जीके के पार्ट का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो चैनल के साथ आप बने रहिए। थैंक यू।